अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असद महमूद कयानी स्पीड न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम आए हैं MVE इस्लामाबाद इनाम चुगताई साहब के पास, और नाज़रीन से जानते हैं आज ड्राइविंग के असूल के हवाले से। जी इनाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनाम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, मसलन के एक जो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला है, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उसके पेपर मुकम्मल होने चाहिए जो हमारे पास आएगा, और को गाड़ी का नॉलेज उसको होना चाहिए। सबसे पहले हम उसे इशारों का टेस्ट लेते हैं, जिसे सिग्नल टेस्ट भी कहते हैं। उसमें जो लोग पास होते हैं वो गाड़ी के ऊपर जा कर टेस्ट देते हैं। जो हमारा फैज़ाबाद में हम प्रोफेशनल टेस्ट है, जो फैज़ाबाद में कर लेते हैं हम टेस्ट। जी जी। अच्छा इनाम साहब, ये बताइए कि MVE के मज़ीद क्या उस इख्तियारात होते हैं, क्या उसका काम होता है? सर, MVE ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा उसके पास जो है गाड़ियों की फ़िटनेस, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी फ़िटनेस, और जो मसाइल दूसरे रोड के मसाइल होते हैं, वो एक्सीडेंट वगैरह उसको हल करता है जाके। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट जो है वो किस दिन होता है? ड्राइविंग टेस्ट इस्लामाबाद में तो 2 दिन होता है, मंगल और जुमेरात को यहाँ इस्लामाबाद में टेस्ट लिया जाता है। बाकी अज़ला में मेरे ख्याल 1 दिन है, हमारे यहाँ 2 दिन है, मंगल और जुमेरात। अच्छा, ये फिर टेस्ट के अलावा फिर आप ऑफिस वर्क करते हैं? फिर मेरा जो ऑफिस है, मैं यहाँ से ख़त्म जल्दी हो जाए तो ख़त्म करके ऑफिस जा कर फिर वहाँ से उसका वर्क करता हूँ। जी जी। जो भी हमारी पासिंग वगैरह का फील्ड होती है वो करते हैं। अच्छा इनाम साहब, ये बताएं कि जो लाइसेंस बनाने वाले लोग या आवाम आती है, तो उनका रवैया क्या कहते हैं आपके साथ, कैसा होता है? सर, हर कोई अपने उम्मीद में आता है कि यहाँ पर, उम्मीद में आता है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाऊँ, तो ज़ाहिर है कुछ तैयारी करते हैं, कुछ लोग तैयारी नहीं करते हैं। जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए जो है वो थोड़ा सा होता है कि वो परेशान होकर जाते हैं, तो रवैया बेहतर है, काफ़ी हद से बेहतर है। अच्छा इनाम साहब, ये बताइए कि अपने जूनियर जो आपका स्टाफ है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि वो आपके साथ ठीक तावन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं? मेरा जूनियर स्टाफ अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा है, और हर तरह से मेरे साथ तावन करता है, चाहे जितना भी लोग आए हों, सब जो है वो हमारे उस पर साथ होते हैं। बड़े जो हमारे SSP ट्रैफिक है और DC इस्लामाबाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, वो उनकी जो है मदद मेरे साथ हमेशा शामिल होती है, वो गाये बगाए आकर इसको चेक भी करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपको किसी किस्म का कोई मसाइल अगर कोई है, तो हुकूमत को अगर कोई पैगाम देना चाहें कि? सर, मसाइल तो है कि मेरे पास इन लोगों के लिए शेल्टर टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो काफ़ी मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर कोई शेल्टर बन जाए, ताकि आवाम आगे गर्मी है और रोज़े आ जाएंगे, तो यहाँ इनके बैठने के लिए कोई जगह हमारे पास अभी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, मतलब कि कोई जगह यहाँ आपको चाहिए कि उस बैठने के लिए? बैठने के लिए सीटिंग वगैरह कोई शेड लग जाए तो वो लोग यहाँ आराम से बैठ जाएंगे। जी जी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम बनी हुई है, जो जिसके लिए SSP और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई बन जाए, यहाँ शेड वगैरह। जी 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 जी। नाम साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।